इसी के साथ टॉस होता हुआ एक तरफ एल एन एम दरभंगा की टीम है, दूसरी तरफ मगध यूनिवर्सिटी बोध गया की टीम है, और एक तरफ कैप्टन है विवो प्रो कबड्डी के खिलाड़ी अरमान राज और दूसरी तरफ कैप्टन है मगध यूनिवर्सिटी बोध गया के कैप्टन। टॉस होता हुआ और इस मैच को करा रहे हैं सुभाष कुमार युवा कबड्डी सीरीज के रेफरी हमारे बिहार स्टेट कबड्डी एसोसिएशन के साथ। टॉस विन बाय मगध यूनिवर्सिटी चॉइस कोर्ट, पहली रेड आपको दरभंगा की तरफ से देखने को मिलेगी। दोनों तरफ सेम टीम है, दोनों तरफ के खिलाड़ी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, दोनों तरफ से धमाके देखने को मिलेंगे, तबड़तोड़ रेड और डिफेंस में कैच और रेड का पॉइंट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ पहला रेड बताते कि लेने में दरभंगा की तरफ से 17 नंबर के रेड रे क्या आया है। टॉस जीती थी मगध यूनिवर्सिटी बोध गया और चॉइस कोर्ट किया था। 17 नंबर के खिलाड़ी बहुत ही लंबे कदकाठी के खिलाड़ी हैं, बहुत ही बढ़िया फुट सेट दिखा रहे हैं, लगातार प्रयासें जारी हैं। अब है रेड पर रॉबिन, नौ नंबर में इधर भी सात का डिफेंस कायम है और अच्छा टैकल देखने को मिला है अरमान राज के तरफ से, और बिल्कुल पीछे से टीम का सपोर्ट आया राइट कॉर्नर से, अच्छा डैश किया है अरमान राज हमारे बिहार के स्टार है, प्रो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, चले हैं 99 नंबर के खिलाड़ी, लंबे कदकाठी के रेडर एल एन एम दरभंगा के तरफ से। इसी के साथ खाता खुला है एल एन एम दरभंगा 1-0 मगध यूनिवर्सिटी बोध गया, और यहाँ पे आसानी के साथ कवर को शिकार बनाया गया है, स्कोर जा पहुंचा है 2-0 का स्कोर है। चल लेफ्ट से रेड लगाने के लंबे का काठी के रेडर बोध गया के भी रेडर, हमने बताया कि दोनों ही बहुत ही बढ़िया टीम है और इस बार पॉइंट लेके अर्जित किया है, बोनस प्लस 1 पॉइंट, स्कोर है 2-2। चार नंबर के खिलाड़ी को बाहर किया है, वही रेड 17 नंबर के खिलाड़ी गया था पहली रेड लेकर, वही रेडर गया है रेड करने के लिए, और ये क्या राइट कॉर्नर के इनको भी टच लगा है, 2 पॉइंट मिला है, मल्टीपल रेड पॉइंट, क्या गजब का रेडर है, एक ही बार में रनिंग है टच में दो दो खिलाड़ी को बाहर करता है, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। 4-2 का स्कोर हो गया, 2 पॉइंट से बढ़त में एलएनएम दरभंगा की टीम। लेफ्ट कवर को शिकार बनाने का प्रयास हो रहा था, हालांकि लगा नहीं टच, 4-2 का स्कोर, इधर 4 का डिफेंस बोध गया के कोर्ट में, वही 99 नंबर के रेडर गए हैं रेड करने के लिए, लंबे कदकाठी के रेडर हैं, बिल्कुल जितनी तारीफें की जाए उतनी कम पड़ जाएगी, अच्छी खासी पर्सनालिटी है। खालिद वापिस अपने कोर्ट में, और इधर 7 का डिफेंस है, बोनस ऑन है, और हम अच्छा एंकल होल्ड पर फिर से शिकार अरमान राज के हाथों फिर से शिकार हुआ है, क्या इस रेडर को खामोश रखेंगे अरमान राज, हाँ बिल्कुल खामोश रखना ही पड़ेगा क्योंकि अच्छी खासी वजन का खिलाड़ी है, सुपर टैकल ऑन है, 3 का डिफेंस कायम है, वही रेडर चला है 17 नंबर में, क्या यहाँ पर सुपर टैकल करेगी या फिर से पॉइंट लेके आएंगे रेडर, लगातार कोशिशें जारी है। खालियात वापिस अपने कोर्ट में, जोखिम नहीं लेना चाह रहे हैं, 5-2 का स्कोर है, 3 पॉइंट से बढ़त पे लेने में दरभंगा, जब बिल्कुल जोखिम नहीं लेना चाह रही है टीम, क्योंकि यह फाइनल का मुकाबला है, फाइनल में जो जीतेगा उसको 1,00,000 रुपए का प्राइज मिलेगा, और रनर के लिए और जंप लगाने का प्रयास, लेकिन अच्छा टैकल देखने को मिला है, I'm
पर ये देखिए दोनों टीमों के खिलाड़ी का गर्माहट देखिए, खेल खेल की भावना से खेलें ना कि लड़ाई करें, खेल खेल की भावना से करें खेलें। आठ नंबर के खिलाड़ी को कार्ड दिया गया है, रेड कार्ड दिया गया है, बिल्कुल इस टूर्नामेंट से बाहर किया गया है एलएनएमयू दरभंगा के खिलाड़ी को, दरभंगा के खिलाड़ी को रेड कार्ड देके बाहर किया गया है। रेड कार्ड का मतलब है कि इस टूर्नामेंट और इस मैच से बिल्कुल बाहर जाओ आप, इस टूर्नामेंट से आपका कोई नाता नहीं है, से रेड कार्ड देके बाहर किया गया है। बिल्कुल अनुशासन से खेले, खेल भावना के खेल से खेले। 6-2 का स्कोर है, 4 पॉइंट से बढ़त भाई एलएनएमयू दरभंगा, सुपर टेक अलॉन है और डू वॉट आई रेड है। यहाँ पे कोशिश करनी पड़ेगी रेडर को क्योंकि डू वॉट आई रेड है। 8-2 होते हुए मगध यूनिवर्सिटी, 9-2 का स्कोर हो गया है, 10-2 का स्कोर हो गया, 8 पॉइंट से बढ़त पे। शुरुआती लम्हों से लड़कियों का टीम भी 6 पॉइंट 5 पॉइंट का बढ़त बना के रखी थी, यहाँ पर तो 10 पॉइंट का बढ़त है, लेकिन ये कबड्डी का खेल है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इस बार क्या बोनस प्लस वन है, 1 पॉइंट मिला है, फिर से 4 नंबर को बाहर किया है, फिर से 17 नंबर के रेडर चल रहे रेड करने के लिए। सत्रह नंबर के रेडर भी बहुत ही बढ़िया रेडर है, लगातार पॉइंट स्कोर कर रहा है दरभंगा के लिए, और ये छलांग लगाने का प्रयास हो रहा था। हम सबको इसे कबड्डी मैच में देखना चाहिए। चले हैं लेफ्ट से रेड लगाने के लिए, वही लंबे हाथ के रेडर जो अगले बार पॉइंट लेके गए थे। 3-10 का स्कोर है, 7 पॉइंट से बढ़त पे। क्या यहाँ पर एलएनएमयू दरभंगा जीतेगा या फिर बोध गया, और इस बार भी स्कोर क्या है पॉइंट, राइट कॉर्नर के बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा शिकार, चले हैं 99 नंबर में, इधर 7 का डिफेंस कायम है, बोनस ऑन है 99 नंबर के लिए, और लंबे कदकाठी के रेडर हैं तो बोनस कर सकते हैं क्योंकि लंबे हाइटों के रेडर के लिए बोनस लेने में आसानी होता है। और इस बार राइट कॉर्नर को शिकार बनाया है एलएनएमयू दरभंगा की तरफ से, राइट कॉर्नर को बाहर किए हैं बोधगया के खिलाड़ी, तो इधर दरभंगा के भी खिलाड़ी बोध गया के राइट कॉर्नर को बाहर किए हैं, दोनों तरफ से बोले कि ग्यारह 6 का स्कोर है। फिर से 17 नंबर के रेडर, इधर 6 का डिफेंस है, बोनस ऑन है, कबड्डी का ये दूसरा पानी चलता होगा, चांसलर ट्रॉफी राजभवन बिहार द्वारा आयोजित, कृपा देखिए दाएं से बाएं पूरे कोर्ट का मजा करते हुए, और शायद सीलू नाम है, इस बार अच्छा टैकल देखने को मिला है, बहुत ही बढ़िया टैकल यहाँ पे। टाइम आउट लिया गया है बोध गया के तरफ से, और एक साथ शिकारियों की तरह झपट्टा मार, दरभंगा के कोच कोचिंग दे रहे हैं, मगध यूनिवर्सिटी के कोच अब पहुंचे हैं। टाइम आउट के बाद फिर से मैच स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर 7-11 का स्कोर है, क्या यहाँ पर एलएनएमयू दरभंगा ले जाएगी या फिर बोध गया, दोनों ही टीम बहुत ही बढ़िया टीम है और कबड्डी का मैच है, कुछ भी हो सकता है। क्या ये सुपर रेड है या फिर 2 पॉइंट मिला है,
क्या ये मल्टीपल रेड पॉइंट है जब बिल्कुल हमें तो लग रहा है दो पॉइंट मिला है। नौ नंबर और पांच नंबर को बाहर जाना पड़ेगा, दोनों खिलाड़ी को बाहर जाना पड़ेगा। टाइम आउट लेगा फिर से, टाइम आउट के बाद फिर से मैच स्टार्ट होगा। फिर से 99 नंबर के खिलाड़ी को रेड भेजा गया है। 11-9 का स्कोर हो गया है, दो पॉइंट से बढ़त पे। क्या यहां पर वापसी करेगी, क्या इस लीड को काटेगी? इस बार खाली हाथ वापस कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर तीन का डिफेंस है, सुपर टैकल ऑन है। अगर जो यहाँ पर सुपर टैकल करती है तो दो पॉइंट मिलेगी दरभंगा को, और 11-13 का स्कोर हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल जैसा कहा वैसे ही हो गया, सुपर टैकल किए हैं, दो पॉइंट मिला है इन्हें, 13-9 का स्कोर हो गया है। तेरह नौ का स्कोर हो गया है। क्या यहाँ पर स्लिप को फिर से 8 पॉइंट वाली लीड को बढ़ा लेगी दरभंगा की टीम? चला साहिल रेड पर, इधर चार का डिफेंस है। साहिल भी अच्छी खासी पर्सनालिटी के रेडर है, अच्छी खासी वजन है और अच्छी खासी स्किले है बॉडी में, और रनिंग हैंड टच करने का प्रयास हो रहा था। तेरह नौ का स्कोर अभी भी है, डू और डाई रेड आ गया है 99 नंबर के लिए कबड्डी मैच का, और हालांकि बोनस ऑन है, बोनस कर सकते हैं, डू और डाई रेड है। चैंपियन टीम का नाम लड़कियों में दरभंगा ने बाजी मारी है, क्या लड़के भी वही दोहराएंगे, क्या मगध उलट फिर करेगा? बहुत ही नजदीकी मामला, बहुत ही अच्छा लगा है। शिक्षा था, दुआ डायरेक्ट था, पॉइंट लाना था, रेडर को बाहर किया है। 10-13 का स्कोर हो गया, तीन पॉइंट से बढ़त पे। फिर से तीन का डिफेंस है, क्या इस बार भी सुपर टैकल देखने को मिलेगा, क्या इस बार रेडर सफल होंगे? संभवतः एक खिलाड़ी दो पॉइंट मिला है, एक नंबर और चार नंबर को बाहर जाना पड़ेगा। महज अकेला खिलाड़ी बच गया है कोर्ट पर, 12-13 का स्कोर हो गया है, महज अकेला खिलाड़ी बच गए हैं, 7 नंबर के खिलाड़ी। क्या यहां पर पॉइंट निकालेंगे? जहां बिल्कुल अच्छा एंकल होल्ड, इसी के साथ ऑल आउट कर दिया है। 15-13 का स्कोर हो गया है। हमने कहा कि है कि इस मैच में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, दोनों तरफ खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। पंद्रह तेरह का स्कोर हो गया है, तीन पॉइंट से बढ़त पे। तीन पॉइंट से कहां बढ़त दरभंगा के कोर्ट में थी, अब तीन पॉइंट से बढ़त बोधगया के कोर्ट में चली गई है। इस बार खाली हाथ वापस कोर्ट में, जोखिम नहीं लेना चाह रही है क्योंकि तीन पॉइंट से बढ़त हो गई है। 17 नंबर में फिर से सिलू रेड पर, इस बार दरभंगा बहुत दिनों बाद दिखा है, बहुत मैचेस बाद दिखा है कि पिछड़ती हुई दिख रही है दरभंगा की टीम। क्या करारा जवाब मिलेगा? टाइम आउट लिया गया है बोधगया की तरफ से, 15-13 का स्कोर अभी भी कायम है। टाइम आउट के बाद फिर से मैच स्टार्ट हो गया, फिर से साहिल रेड पर, इधर 7 का डिफेंस है, बोनस ऑन है साहिल के लिए। 15-13 का स्कोर है,
लगातार चहल कदम कर रहा है। अच्छा बैक होल्ड देखने को मिला है, क्या गजब का बैक होल्ड किया है एक नंबर के खिलाड़ी। शानदार बैक होल्ड यहाँ पे 14-15 का स्कोर हो गया फिर से। बहुत बढ़िया टैकल यहाँ पे देखने को मिला कवर से, राइट कवर से। सोलह 14 का स्कोर हो गया, 2 पॉइंट से बढ़त पे। फायदा नहीं उठाने वाली इधर बंदा, उन्हें बार बार भेजती है कि वो कुछ भी करके अपने लंबे हाथ मिठाई से नहीं आएंगे, लेकिन भगत के पास उनके जवाब में साहिल और दूसरे खिलाड़ी भी हैं। साहिल की मदद से 16-14 में रन को बढ़ाने की विराट में इस बार खाली हाथ वापस अपने कोर्ट में। दरभंगा क्या 2 पॉइंट मिला है, मल्टीपल रेड पॉइंट। सोलह 16 का स्कोर हो गया है यहाँ पर, बराबर के स्कोर हो गई है। हमने कहा है कि उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, यहाँ पर तो बराबर का स्कोर भी देखने को मिल रहा है। 16-16 का मुकाबला। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले कबड्डी बुक को, इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले। दरबाज का डिफेंस है 99 नंबर के लिए, इस बार बोनस ऑफ है। सफर भी कर रहे हैं आज, दो बार सफर करते हैं। और डुआ डायरेक्ट आ गया है, बोनस का प्रयास हुआ है। 16-16 का स्कोर है। क्या 2 पॉइंट मिला है, दो खिलाड़ियों को बाहर निकाली। 18-16 का स्कोर हो गया है। बिल्कुल कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देखे, बहुत ही बढ़िया मुकाबला हो रहा है। कबड्डी के साथ, कबड्डी के रोमांच के साथ एक एक सांस बचा दो। बहुत बढ़िया टैकल यहाँ पे कवर से देखने को मिला है। राइट कवर टैकल पे जाता है, लेफ्ट कवर का सपोर्ट आता है, लेफ्ट कॉर्नर सपोर्ट में जाते हैं। ये कबड्डी का खेल है। 19-16 का स्कोर हो गया है। और बहुत बढ़िया टैकल यहाँ पे देखने को मिला, एक बार फिर से एक नंबर के खिलाड़ी इन्हें बाहर किए हैं डबल थाई होल करके। और बाहर है सिलू रेड पर 17 नंबर में। ये मैच कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। अच्छा टैकल देखने को मिला, एक और टैकल मगर यूनिवर्सिटी को चमत्कार कर रही है। 20-17 का स्कोर हो गया है, इसी के साथ हाफ टाइम का स्कोर है 20-17 का स्कोर है। काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है आप लोगों को। हाफ टाइम के बाद मुकाबला स्टार्ट होगा। इधर 4 का डिफेंस है खेलने में दरभंगा के कोर्ट में। कबड्डी में ऐसे खिलाड़ियों की बहुत दरकार होती है और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री और राज्यपाल महोदय लगातार देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कबड्डी की वो प्रतिभाएं जिन्हें इस मंच के बाद वो अगले बड़े मंच दिलवा सके। निश्चित तौर पर यहाँ से कुछ खिलाड़ी आने वाले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी खेलेंगे। खाली हाथ वापस अपने कोर्ट में। 20-17 का स्कोर है, 3 पॉइंट से बढ़त पे, कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है।
चला है चार नंबर के रेडर, और ये रेडर नहीं है सब, अब तो डिफेंडर है। पांच नंबर का शिकार बना है साहिल ने, बाहर जाना पड़ेगा पांच नंबर के खिलाड़ी को। राइट कॉर्नर के इन पे थे, राइट कॉर्नर आते टैकल करने के लिए तो थोड़ा सा कुछ काम बनता। 21-17 का स्कोर हो गया है। चार खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, फटाफट साहिल वापस आते हैं और वाइट नाइट चुकर इस रेड को शायद पूरा और वापस अलग स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहे हैं। डुआ डाई रेड आ गया दरभंगा के लिए, 21-17 का स्कोर है, डुआ डाई रेड है। सचिन अगर बाहर गए तो सिर्फ दो खिलाड़ी बचे के दरभंगा में, यानी कि मगर के पास ऑल आउट का एक और मौका होगा। बहुत ही बढ़िया एंकल होल्ड यहाँ पे संकेत का, अच्छा टैकल देखने को मिला है। सचिन नए लीडर थे, आसमान आई थी दरभंगा, खड़े नहीं होते बाहर बैठे, सिर्फ दो खिलाड़ी हैं। अगर इस बार साहिल को पकड़ पाएंगे तो ये सुपर टैकल, सुपर टैकल ऑन है, दो का डिफेंस है साहिल के हेड पर। हमें शायद ऐसा लगता नहीं क्योंकि बहुत ही तगड़ा खिलाड़ी है। 2+2 4 पॉइंट, इसी के साथ ऑल आउट होते हुए दूसरा ऑल आउट दे दिया है। 26-17 का स्कोर हो गया है, काफी बढ़त बना ली है। सांसें रोकने वाला ये मुकाबला है, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, आखिरी 15 मिनट कितने बाकी है। वो देखिए कैसे चतुराई से दाएं की तरफ देखते हैं, बाएं की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, पूरी की पूरी सात खिलाड़ियों के स्पष्ट मैदान में दौड़ रही है। बहुत बढ़िया चेक करना पड़ेगा, बता दिया है। 27-17 का स्कोर हो गया, 10 पॉइंट से बढ़त पे मगध यूनिवर्सिटी। फाइनल में असली शेरों से मिल रहे हैं, आप शेर हैं तो हम सवा से। 27-17 का ये डिफरेंस है। वापस साहिल लौटते हुए, साहिल बहुत शांत और चतुर खिलाड़ी खेलते हुए आंखों से भापते हैं, लेफ्ट की तरफ दौड़ते हैं और राइट की तरफ नजर रखते हैं, देखिए राइट की तरफ मुड़े। कबड्डी रॉबिन चला है रेड पर, इधर शक्ति और साहस का बोनस ऑन है। आराम से अब मगध के खिलाड़ी थोड़ा सा अलग मूड में गेम को ले जाना चाहते हैं, पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं, अच्छी रणनीति है। नन्याना नंबर सबसे लंबे पूरे टूर्नामेंट के सबसे लंबे खेल रहे हैं, वापस देख रहे हैं कि आज वो सफल हो पाए हैं। अगर ये मेंटेन रहा है कुछ मिनट तक तो हम निश्चित तौर पर एक नया परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देखिए साइज कैसे मैदान में है, इस बार सात खिलाड़ी हैं, जरूर अगर खेलना चाहिए। बाहर खिला है साहिल को, साहिल पर तभी अटैक करते हैं जब एक साथ 6 या 7 खिलाड़ी होंगे, वही किया। और दरभंगा जो शुरू से इस मैच में कोशिश कर रही है, 18-27 का स्कोर हो गया है यहाँ पर, 9 पॉइंट से लीड पे। इधर चेक का डिफेंस है, बोनस ऑन है 99 नंबर के लिए। और इस बार क्या क्या यहाँ पर 3 पॉइंट है, सुपर रेड लगा दिया, क्या ये वापसी है। रॉबिन चला है रेड पर, इधर 7 का डिफेंस है, बोनस ऑन है रॉबिन के लिए। लंबे का काठी के रेडर भी है, बोनस का प्रयास भी कर सकते हैं।
सुपर टैकल है, 27-21 का स्कोर हो गया, 6 पॉइंट से बढ़त पे। इधर 3 का डिफेंस है, क्या यहाँ पर सुपर टैकल करेगी, रेडर बाजी मारेंगे, रेडर को पॉइंट मिलेगा। लगातार प्रयास जारी है दोनों तरफ से, फिर से साहिल कई सारी रेस कर चुके हैं, हमने दिखाया अभी अभी, क्या इस बार भी सफल होंगे? अगर सफल होंगे तो मगर के 4 खिलाड़ी कोर्ट में आएंगे और फिर से मगर थोड़ा सा ज्यादा शक्ति के साथ खेल पाएगा। फिलहाल पलटवार के इंतजार में, बहुत बढ़िया चाकल यहाँ पे, क्या यहाँ पर इस ऑल आउट देगी, 22-27 का स्कोर हो गया है, क्या यहाँ पर ऑल आउट देगी या फिर सुपर टैकल करेंगे? तो का इधर डिफेंस कायम है, क्या गजब का टैकल किए हैं, सुपर टैकल। सुपर टैकल हुआ, 29-22 का स्कोर है, क्या शानदार कबड्डी ना कुश्ती का मतलब दिखाया अभी, दो खिलाड़ियों का टक्कर था, एक तरफ एक खिलाड़ी थे, दबोचे रखा, यहाँ पर साहिल आ गए हैं कोर्ट पर, मजबूत खिलाड़ी है, उन्हें छोड़ने की बहुत भारी है। अभी भी सुपर टैकल जारी है, 3 का डिफेंस है, सिलू आया है रेड पर, क्या इस बार एक और सुपर टैकल नंबर के वापस साहिल बार बार आते हैं और चुनौती देते हैं कि मुझे पकड़ के दिखाओ। पॉइंट मिला है मल्टीपल रेड पॉइंट, लीड धीरे धीरे करके बढ़ रही है, 31-22 का स्कोर हो गया है। टाइम आउट लिया गया है मगध की तरफ से, टाइम आउट के बाद फिर से मैच स्टार्ट हो गया, 22-31 का स्कोर है, 9 पॉइंट से बढ़त पे। इधर 5 का डिफेंस है, बोनस ऑफ है रेडर के लिए, थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ सकती है, 17 नंबर के खिलाड़ी है और यहाँ पर छलांग लगाने का प्रयास हुआ था और अच्छा राइट कॉर्नर के इस पर शिकार, एक रेड पॉइंट लेकर आए हैं और देखिए क्या शिलू ने अपने क्या जानों को लेकर कैसे जबरदस्त अंधेरी मारी और बना दिया कि अब से पकड़ा मत दीजिए। कबड्डी हो गया है रोमांच में पहुंचती हुई, जो से किस का स्कोर है, थोड़ा बहुत नोक झोंक इतना चलता है, ये बिहार है और इतना कबड्डी का ये पहला टूर्नामेंट चल रहा है, बहुत ही शानदार। साहिर साहिर आए हैं, शानदार बताइए, कौन बने शिकार, अच्छा शिकार है यहाँ पर अरमान, दरभंगा के अरमान पर जब का टैकल किया है, बिल्कुल संयम रखा डिफेंस में, लास्ट में टैकल किया है, 33 का स्कोर है, फर्स्ट वार्निंग मिली है और सुपर टैकल ऑन है दरभंगा के कोर्ट में, रॉबिन चला है रेड पर,
लंबे कद काठी के रेटर हैं और यहां पर चेक मार्क दे दिया है, राइट कॉर्नर का स्पर्श शिकार बना है। 34-23 का स्कोर। दो खिलाड़ी बच गए हैं दरभंगा के कोर्ट में, 99 नंबर के रेडर हैं। बोनस ऑन है, बोनस दे भी दिए हैं क्योंकि जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। अच्छी खासी लीड बन गई है। प्रदर्शन यहाँ पर रॉबिन का, जाते जाते छलांग भी दिखा दिए दादा। 35-24 का स्कोर हो गया है। बोनस आसानी से दे रही है, जोखिम नहीं लेना चाहती है। एक बोनस से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर मल्टीपल रेड पॉइंट निकालने होंगे। महज अकेला खिलाड़ी बच गया है कोर्ट पर। अच्छा टैकल यहाँ पर देखने को मिला, साथ है तीसरा टैकल है। टाइम आउट के बाद फिर से मैच स्टार्ट हो गया है। 38-25 का स्कोर हो गया है, काफी बढ़त है। मैच अब दरभंगा से काफी दूर निकलता हुआ, गाड़ी मगध की तरफ मुड़ चुकी है, जो शुरू के कुछ मिनटों में दरभंगा की तरफ आई थी, गलत सिग्नल पकड़ लिया था, इस बार सही ट्रैक पर दिख रही है। देखते हैं दरभंगा वापस अपनी तरफ इस मैच को और इस फाइनल को, इस ट्रॉफी को से लंबे हट कर रेड रहा है। ऑल आउट के बाद रेड लेकर बहुत बढ़िया एंकल होल्ड, क्या बेखौफ एंकल होल्ड करते हैं। ये चौथा टैकल है, विशाल हाफ्टर में नजर आ रहे हैं, बाहर जाएंगे। शुरू में बहुत जोश में थे, अब डर के जा रहे हैं करने के लिए। एलिगेंट अंदर बंदा के खिलाड़ी बहादुर की तरह आते हैं। पिछली बार हवा में हाथ उठाकर दर्शकों को बताया था कि मेरा नाम साहिल है, मुझे पहचान लीजिए, मैं बिहार के सबसे प्रतिभावान कबड्डी खिलाड़ियों में शामिल होना चाहता हूं। एक बार जबरदस्त टीयर अप कीजिए साहिल के लिए। अब सबसे जो बहुत बढ़िया टैकल राइट कॉर्नर के इंच से निकल के साहिल टैकल किया है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 40-26 का स्कोर हो गया है। टू आर डायरेक्ट, इधर 5 का डिफेंस है। बहुत बढ़िया टैकल, अच्छी कोशिश की है, रेफरी मैन आ गया है, मार दिया है, स्कोर दिया है 40-27। 40-27 का स्कोर हो गया है, काफी बढ़त है। 40-27 41-27 का स्कोर हो गया है। शुरू के कुछ मिनट पिछड़ रहे थे, शायद वो भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा हो, तो पहले थोड़ा दरभंगा को भाप लेते हैं कि क्या खा कर आए हैं, दही चूड़ा खा कर आए हैं, मखाना खा कर आए हैं। उसके बाद सत्तू का स्वाद चखाते हुए मगध यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं। मगध यूनिवर्सिटी दरभंगा को टक्कर दे रहे हैं,
दरभंगा भी संस्कृति और विरासत की भूमि रही है लंबे समय से। ललित नारायण दत्ता यूनिवर्सिटी का लंबा इतिहास अभी अभी लड़कियों ने ये मैच जीता है। इस बार बाहर जाने साहिल को पकड़ना, साहिल जमीन हवा में सवार होकर बात करते हैं। वो जमीन पर रेंज करते दिखते जरूर है लेकिन हवा में उनके पास होते बहुत ही शानदार। सिर्फ चार मिनट बचे हैं, अंतिम तीन मिनट समय से इस मैच का। अच्छा एंकल होल्ड, छठा टैकल है। दरभंगा ने ले लिया है मगध यूनिवर्सिटी से पंगा और सुपर टैकल ऑन हो गया है। थोड़ा सा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि साहिल उनके पैरों में पंख लगे हैं, आते हैं छूते हैं उड़ते हुए वापस ले जाने की कोशिश की है। इस बार उल्टी दिशा में पकड़ा साहिल, मिठाई को देख नहीं पाए बाहर जाएंगे, अच्छी वापसी की कोशिश। तो बंदी का मैच अपने आखिरी कुछ मिनटों में 17 नंबर की विकेट है। इस बार अंतिम दो मिनट समय से इस खेल का काफी बढ़ाते हैं, अब औपचारिकता ही बाकी है इस मैच में। और इसे बना दिया है, साहिल को बना दिया है। क्या ये वापसी के संकेत है? पॉइंट्स टेबल में अभी 13 पॉइंट्स का फासला है, बहुत ही बड़ा फासला है। देखना होगा कितने मिनट का खेल बाकी है, 13 पॉइंट्स बहुत लंबा, इस गैप को भरना थोड़ा मुश्किल जरूर है, असंभव बिल्कुल नहीं। दरभंगा चाहेगी कि एक बार और जोर आजमाइश करे और पलटवार करे। शुरू के फर्स्ट हाफ दरभंगा पूरी तरह से हावी रहा था, लग रहा था मैच वन सेकेंड होगा, मगर यूनिवर्सिटी ने अचानक से जान फूंकी और फिलहाल मगर ट्रॉफी के पास सिर्फ दो कदम का स्कोर है। संभवतः एक से दो रन आएगी इस मैच में। दरभंगा के लड़के सोच रहे थे कि हम भी उसे दोहराएंगे, लेकिन शायद मगध यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने कुछ और यहाँ पे प्लान कर रखा था। विजेता टीम को एक लाख और ये मैच समाप्त, सात मैच समाप्त हुआ। कांग्रेचुलेशन बोथ टीम, इसी के साथ विनर हुए मगध यूनिवर्सिटी रनर LNMU दरभंगा के टीम, दोनों टीमों को बधाई यहाँ हो। Thank you.